कितना साल पुराना? 1300 साल पुराना ये तो, 1300 साल तो ये केवल बिल्डिंग है। अच्छा, लेकिन जो शिवलिंग है वो आदिनादिकाल से है, जिसे हम बोलते स्वयंभू, स्वयं से प्रकट। वो उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, वो जगह यही थी। ये भागी जा रही है, इनको ना मार मार के भेजा है मैंने। घर में पड़े रहते हैं ये, कुछ काम नहीं करते हैं आजकल। अब मैंने तो दिया का मेडिटेशन फिर से करा दिया स्टार्ट, और इसको मार मार के भेजा है। मैंने कहा बैडमिंटन जाके खेलो, और कह रही है उसको ना अभी इतना खेलना नहीं आता है, मेरी सिस्टर की बेटी को, तो मजाक उड़ा रही है। मैंने कहा तेरे को कौन सा आता था, प्रैक्टिस करेगी तभी तो आएगा। बड़ी मुश्किल से पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं बच्चे। आज वार्निंग दे दी थी इनको तो ये भागे गए हैं। आजकल मैंने भी ना थोड़ा सेहत पे ध्यान देना शुरू कर दिया। मोटी हो गई थी, पहले कहते थे मैं हूँ इस वजह से पतली है, और मैं मेरे को हो गया ना तो फिर देखना मोटी हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना भी शुरू कर दिया, डाइट का भी, चाय बंद कर दी है, ग्रीन टी पीनी शुरू कर दी। आज बच्चों के लिए बर्गर बनाए जाएंगे, और मम्मी और मैं टिक्की खाएंगे। बच्चों के लिए क्या दिया, शिवांगी तो खाएगी नहीं, दिया और वो है सृष्टि है, और फिर उसके बाद घुमाने ले जाऊँगी उनको। आज बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए बर्गर टिक्की। फिर से एक बार बर्गर आएगा, अब की बार अलग स्टाइल से आएगा, और वो भी बच्चों के लिए। और इसको कैमरा पकड़ना भी ढंग से नहीं आ रहा, बिल्कुल लाइट के ऊपर लटकी हुई है। एक काम कहा है इसको, और पीछे से बोले जा रही है आज नए तरीके से बर्गर बनाया जाएगा, जो मैकडोनल्ड में मिलता है ना एकदम क्रिस्पी। अच्छा। हाँ, मैं भी सोचती थी क्रिस्पी कैसे होता है, आज वही होगा। ये आलूओं को इसमें कसा जा रहा है। बर्गर बनाने के लिए भी ना मैं इसका पहले मसाला बना रही हूँ टिक्की का। प्याज को फ्राई कर लिया, ये हल्का सा ना इसको थोड़ा ब्राउनिश करना है, उसके बाद अंदर इसमें ये लहसुन डालना है। अब आएगा मजा। बहुत चटोरी है सच में। फिर इसके बाद ना ये मटर और कॉर्न ये लिए हुए थे मैंने, इसको इसके अंदर डाल दिया। ये मैंने मसाले लिए हुए थे इसके अंदर, जरा पीछे हट जाइए लाइट के आगे से। इसके अंदर लाल मिर्च है, काली मिर्च है, और जीरा पाउडर है। इसके अंदर ना टिक्की के अंदर सबसे बड़ी ट्रिक क्या होती है, इसके अंदर ना पोहा मिलाया जाता है थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए। ये देखिए पोहा ना बिल्कुल पानी इसका सोख लिया है, और ये इसके अंदर मिलाना है। ये देखिए मैंने ना ये इसके अंदर अच्छे से मैश कर दिया है, और अब ये मटर के साथ ऐसे मिला के इसमें डालना है। अब हमने उस मसाले में ना नमक नहीं डाला था, तो अब इसके अंदर हमें नमक डालना है। थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर टिक्की में थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। इसके बाद ये डलेगा मसाला। अब इसको अच्छे से मैश कर लेना और भून लेना है, ताकि टिक्की हमारी बढ़िया क्रिस्पी बने। अब ये इसका मसाला हो गया रेडी, मैं थोड़ी देर में बनाऊँगी, ठंडा होने दूँगी ना, उसके बाद टिक्की थोड़ी देर में बनाऊँगी। थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ नमक वगैरह, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ना लाल मिर्च मैंने कम डाली है। मेरी सिस्टर की बेटी भी और मेरी बेटी भी कम खाती हैं, थोड़ी चटपटा। शर्मा जी होते तो थोक के लाल मिर्च गिरवाते हैं। ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, मैदा ली है, ज़रा पीछे हो जाइए बेटा मेरा सर, मैदा ली थी थोड़ी सी, 4-5 चम्मच, और उसके अंदर इस वो डाल दिया चावल का आटा 1 चम्मच, वो डाल के। और ये ली है ब्रेड क्रम्स, वैसे तो इसको घर में भी बना सकते हैं आप, तो ब्रेड को पीस लीजिए और उसको थोड़ा भून लीजिए, भून के फिर अच्छे से ये ब्रेड क्रम्स घर पे बन जाते हैं। जैसे मैंने ये इसको मैदा में कर लिया अच्छे से, ठीक है, अब इसमें डाल के दूसरे हाथ से इसको ये ठोक दिया, ये इसमें डल गया। ये जो क्रिस्पी आती है ना, जो हम बाजार से खाते हैं, जो हम बाजार की टिक्की खाते हैं ना क्रिस्पी वाली, जो उसमें वो कड़कड़ की आवाज़ आती है, वो इसीलिए आती है। ये म्यूनिस बाजार से मैं लेके आई थी वाइट वाली, ठीक है, रेड वाली भी आती है, टमाटो वाली जो आती है ना, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मैं उसके अंदर ये टमाटो सॉस डाल दूँगी चिली वाली,
ऊपर से वो लगाऊंगी एक साइड से और एक साइड से ये मिला के आज के बाद मैं लानी बंद कर दूंगी। ये इसलिए लाई है क्योंकि मम्मी छोड़ती नहीं है म्यूनिस। मम्मी नहीं छोड़ती, ये मम्मी की बेटी नहीं छोड़ती मुझे बैठी है। हाँ, इसको हमने रेड कर लिया तो ये वही सेम कलर आ गया। इसके अंदर फूड कलर भी मिलते हैं पर हमने इसको घर में ही रेड बना लिया ये वाला। हमारी मम्मी भी कम चटोरी नहीं है। जबरदस्त टिक्की क्रिस्पी वाली तैयार हो रही है, आज बनी है बढ़िया वाली। ये देखिए है ना दिया। हाँ लग रही है क्रिस्पी बनेगी। क्रिस्पी बनेगी ये देखिए। ओए ओए कमाल हो गया ना आज। ये देखिए और ये मैंने प्याज और ये टमाटर जैसे इसमें से पानी निकल गया इसको फ्रिज में रख दिया। ये टमाटर प्याज मैंने काटी है। ये मैंने काटा है। मैंने काटी है ये। हाँ अब इसको ना अच्छे से इसमें अपने आप में क्रेडिट ले देती है सारा। टमाटर मैंने काटे हैं। प्याज क्यों बोला फिर? हाँ बोलो बोलो। हाँ प्याज तुमने काटी गई ना। आप खाओगे कि नहीं? नहीं चलो देखते अब। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। मम्मी ने मना कर दी है पहले ही कि मैं नहीं खाएंगी ना टिक्की। अपनी शक्ल दिखा दिया कर, पीछे से बोलती रहती है कि ना वो टिक्की खाएंगी ना वो बर्गर खाएंगी। नानी देखिए देख लाइट आ रही है। अरे ऐसे ऐसे कलाकार है हमारे यहाँ। इस तरीके से ना ये क्रिस्पी होना चाहिए तब ये आपका क्रिस्पी आएगा एकदम से। ये इसमें ये फोटो खींच रही है और मेरी सिस्टर है ना छोटी वाली उसकी बेटी को चिढ़ाएंगे क्योंकि वो चली गई है। अब जरा खा के बताया जाए कैसे बना है। कैसा है बाजार जैसा मतलब ऐसे इधर इधर दिया भी नहीं तुमने। अब झूठा झूठा पेश किया जाएगा। ये देखिए बच्चों का बच्चों के हाथ ये। ओहो ये लीजिए बर कुछ दिख भी नहीं रहा। टिक्के विक्के भी कुछ नहीं दिख रही है इधर से। हाँ मतलब हमने इतनी मेहनत से बनाया। पिछली बार इतना नहीं बना था आज बनाया। मैंने तो पहली बार ही बनाया। पिछली बार तो इन्होंने ऐसे ही बना दिया था इनका मूड नहीं था तो ऐसे कैसे भी बना देते। मतलब ये पिछली बार की इंसल्ट भी कर देती है इस बार। ये बनाई है मम्मी के लिए टिक्की, खा लीजिए आप भी क्योंकि उनको बर्गर पसंद नहीं है। इनको सुबह टिक्की का बढ़िया बढ़िया मजेदार टिक्की खिला के अब हम जा रहे हैं वीरभद्र मंदिर दिखाने के लिए। आज मैंने शर्मा जी ने बर्थडे पे गिफ्ट दिलाया थी ये ड्रेस, मैंने पहन ली। मैंने कहा पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, एक दो किलो वेट बढ़ गया है। वीरभद्र मंदिर देखते हैं चलते हुए कि खुला भी है कि नहीं खुला, कभी हम ऐसे ही भटकते रहे। देखो हमने डिसाइड किया था जाने के लिए तो महादेव ने ना पहले ही वो कर दिया है तो मौसम बढ़िया कर दिया है। और ये पीछे मौसम देखिए आप, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, धूप भी नहीं है। दो दिन से इतनी सड़ी हुई गर्मी हो रही थी ना कि अब जाके थोड़ा सा, अभी भी गर्मी है पर बारिश होगी पक्का। कई ना मेरे को फोन करके पूछ रहे कि आप ये बताओ कि मौसम कैसा। आप तीन चार दिन वीडियो तो खैर ये लेट आएगा, एक दो दिन क्योंकि एक दिन छोड़ के बना रही हूँ ना, तो तीन चार दिन लगातार बारिश दिखा रखी है। अब हमारे यहाँ मार्केट ना पूरे टाइम के लिए खोल दी गई है। अब देखिए रोड पे कितना रश है। गाय की तो ना ऋषिकेश में भरमार है। पता क्या करते हैं कुछ लोग होते हैं गौशाला वाले, इधर की साइड कर बेटा अंधेरा आ रहा है, ऐसे कर ले। कुछ लोग ना कुछ गौशाला वाले क्या करते हैं इनको जो बैल होते हैं ना उनको खुला छोड़ देते हैं, गाय को अपने पास रख लेते हैं और बैलों को सांड उनको खुला छोड़ देते हैं और वो बेचारे रोड पे ऐसे भटकते रहते हैं। आज तो फिर भी मार्केट बंद लग रही है, कल मैं आई थी दिन में तो पूरी खुली हुई थी। अब ये नहीं पता ये रेस्ट करने का भी टाइम होता है लोगों का यहाँ पे। कल तो नहीं था, कल तो लोग जगे हुए थे, पूरी सारी दुकानें खुली थी, उसके बाद भी इतनी भीड़ है। आपको कहाँ से कम रश दिख रहा है? नहीं नहीं बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आ सकते हैं, खुला है ऋषिकेश तो भाई पूरी तरह खुल चुका है, होटल भी खुले हैं और देखिए दुकानें भी खुली हैं, कुछ राजस्थानी स्वीट्स खुली है। इसके पापा की फेवरेट थी राजस्थानी स्वीट। ये है 72 सीढ़ी,
मैं साई घाट बोल रही थी पहले साई घाट और आगे है, और अब हम ये जा रहे हैं बैराज साइड। आजकल ना ऋषिकेश एम्स, बेटा इस तरफ ऐसे करें, ऋषिकेश एम्स खुलने की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रेंटेड होटल्स भी हैं और रेंट वाले लोग भी बहुत आते हैं, तो यहाँ के प्राइस एकदम से उछाल मार गए। पर मैं और शर्मा जी 2-3 दिन यहाँ पे ज़मीन के चक्कर में धक्के खाए थे हमने खूब, लेकिन यहाँ पे विस्थापित वाली भी है तो उसमें फिर फ्रॉड हो जाता है, फिर हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। चारों तरफ इस टाइम ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ, क्योंकि पेड़ ज़्यादा है ना। ये उत्तराखंड का एम्स हॉस्पिटल और सामने मरीन ड्राइव बैराज। भाई मुझे सच में पता नहीं है कि मंदिर किधर है, लेकिन गूगल मैप जिंदाबाद। भाई कहाँ जाएं हम, ये देखो बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और हमारी डेस्टिनेशन राइट में है। हाँ पहुँच गए हम, मंदिर तो खुला हुआ है, अच्छा हुआ, और मैं दुपट्टा भूल आई। आपको पता है हम फूल चढ़ाते नहीं हैं, पर वो भाई साहब ने क्या किया, मैंने कहा बेल पत्र दे दो खाली, तो कह रहे बेल पत्र फूल के साथ ही मिलेंगे। बेल पत्र तो चढ़ा देंगे शंकर। बच्चे पूछ रहे हैं कि फूल क्यों नहीं चढ़ाते, तो बाबा जी ने भी एक बार बताया था, संतोष बाबा जी ने भी, कि अपने अंदर के फूलों को चढ़ाओ, अपने अंदर जो है, ये समझा रही मैं बच्चों को, ये फूल ज़्यादा महत्व नहीं रखते, ठीक है। ये मंदिर जो है 1300 साल पुराना है, मैंने भी महादेव की स्टोरी पूरी देखी है, तो उसमें जो बताया गया था कि महादेव ने अपने जटाओं का एक मतलब फेंका था, जब सती माँ ने आत्मदाह किया था राजा दक्ष को मारने के लिए, महादेव क्रोधित हो गए थे, तो उन्होंने अपनी जटा का एक बाल मतलब वो उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, वो जगह यहीं थी, फिर उन्होंने राजा दक्ष का सर काटा था, तो वो पवित्र जगह जहाँ वीरभद्र उत्पन्न हुए थे वो यही जगह प्रकट हुए थे, वो जगह यही थी। मैंने तो मतलब जो देखा था ना उसमें कि प्रकट हुए थे जटाएं जैसे तोड़ी थी शंकर जी ने, सती माता जब उन्होंने वो अपनी संस्कार वो कर लिया था अग्नि में, अपने आप को वो कर दिया था, समर्पित कर दिया था, तो बाकी भाई साहब को पूरी पता है कि उसके बाद जैसे उनका यज्ञ विध्वंस करने के बाद क्या हुआ था। शंकर जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया, प्रकट करने के बाद इसी स्थान से भगवान वीरभद्र जी कनकल हरिद्वार में गए। अच्छा। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, उस यज्ञ को विध्वंस किया। हाँ जी, विध्वंस किया। विध्वंस करने के उपरांत भगवान वीरभद्र जी शंकर जी से मिले और कहा प्रभु जिस कारण से आपने मुझे प्रकट किया या मुझे जन्म दिया या मेरी उत्पत्ति की, अब वो कार्य मैंने कर दिया है, पूर्ण कर दिया, अब आगे क्या आज्ञा है। तो भगवान वीरभद्र जी शंकर जी से प्रसन्न होकर के मिलते हैं कि आज से आप इसी स्थान पर बैठकर पूजा जप तप योग इत्यादि जो आप करना चाहते करिए। अच्छा। फिर उसके बाद क्या, इसकी जो कथा है विस्तार से तो केदारखंड एक पुराण आता है उसमें पूरी विस्तार से पूरी कथा लिखी है। केदारखंड पुराण। हाँ जी, ये तो संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। अच्छा। फिर क्या किया, वीरभद्र जी का भयंकर स्वरूप था तो उन्होंने अपने स्वरूप को एक शिवलिंग रूप में परिवर्तन कर दिया। अच्छा। वो शिवलिंग अभी आप देख सकते हैं आज तक है। हाँ जी। जो मंदिर का ये ढांचा, ये तभी का है मतलब। जी 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 जी। ये कितना साल पुराना, 1300 साल पुराना ये तो 1300 साल तो ये केवल बिल्डिंग है। अच्छा। लेकिन जो शिवलिंग है वो आदिनादि काल से है, जिसे हम बोलते स्वयंभू, जो स्वयं से प्रकट,
ये हमने स्थापित नहीं की हैं। और जब वैज्ञानिकों ने शिवलिंग को अपने मशीन द्वारा जिससे वो टेस्ट करते चेक किया तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो इसका सीमेंटेड चेक किया था तो वो 1300 वर्ष पुराना उन्हें दिखाया। अच्छा, तो ये आदिनादि काल से बहुत प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, गंगा जी के तट पे बसा हुआ है। इधर भी इनकी मम्मी शर्मा जी की मम्मी बहुत बार कहती थी कि मुझे इसके दर्शन। विशेषता में ये भी है कि देखो सामने मणिकूट पर्वत नीलकंठ है और हमारे उत्तर दिशा में जिधर से गंगा जी निकलती है कुंजापुरी है और इधर मायापुरी कह सकते हैं हरिद्वार है, उन चारों तरफ के बीच में ये मंदिर स्थित है। अच्छा, तो यहाँ से वो मारने गए थे उनको वहाँ पे, यहाँ से भागे भागे हरिद्वार गए थे। हाँ, कनखल में, कनखल में गए थे। हाँ जी, कनखल में उनका सर को किया था। हाँ, फिर दक्ष प्रजापति ने सर काटा। और मम्मी का भी बता रही थी, इनकी मम्मी ने बहुत बार कहा था स्टार्टिंग में जब चैनल खुलाई था कि बंटी वीरभद्र मंदिर जा, वीरभद्र मंदिर जा। अब आपको पता है शर्मा जी तो कहते थे कि जब मेरा मन होगा तब जाऊंगा, और अभी भी थोड़े दिन जैसे बीमार होने से थोड़े दिन पहले ही कह रहे थे जब वो भैया के यहाँ पे आए थे होटल में कि चलेंगे, तो वो तो नहीं जा पाए, हम ही आ गए फिर दिखाने के लिए। एक आपको मैं चीज़ बताती हूँ, ये जैसे वट वृक्ष है ना, इसमें पीपल का पेड़ भी है, इसी की शाखा ये है, ये वाला पेड़ है, और इसी की शाखा ये देखिए ऊपर से आ रही है ना, तो ये वाला पेड़ है। और इधर की आगे भैया बता रहे हैं पंडित जी, और इसी की जो शाखा है वो वाला पेड़ है, आगे वाला ये वाला पेड़ है, और इसकी ये वाली है, मतलब एक ही पेड़ की कितनी शाखाएं। आप देखिए कि अगर आप एक पेड़ लगाओगे, वट वृक्ष लगाओगे, तो कितने पेड़ निकलेंगे। आप ये देखिए, ये सुंदर नज़ारा देखिए, वाह, ये देखिए लाइन लगी हुई है, वाह वाह, सच में बड़ा ही शानदार मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। खैर शर्मा जी तो खुद ही साक्षात महादेव के पास चले गए हैं, महादेव ने दर्शन दे दिए थे। हमने यहाँ प्रसाद ले लिया था, प्रसाद को वापस दे दिया, चढ़ा नहीं रहे हैं कि छू के वापस छुआ के शिवलिंग को और वापस दे दिया उन्होंने। हमारे घर में इतने लोग डर रहे हैं ना, ये बंदर बहुत है, मास्क नहीं लगा रखा, और जबकि हम खुद लगा के बैठे हुए हैं मास्क। बड़ी ही सुंदर जगह पे बना हुआ है मंदिर, बहुत ही सुंदर। मैं आज मम्मी को ना इधर ही ले आई, मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ, भाई हैं तो साथ में। और यहाँ गंगा जी देखिए आप, गंगा जी के बिना तो हमारी वीडियो पूरी होती नहीं है। ये देखिए इनका वेद, तो बच्चे जा नहीं रहे हैं, साइड से पकड़ के आ सकते हो आराम से। अल्लाह चल रही है, गंगा जी देखिए एक बार, यहाँ पे बेग देखिए गंगा जी का। भाई आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव, नज़ारे देखिए।